भोपाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए शनिवार शाम कुराग भोपाली 10 नंबर मार्केट में ट्रांसजेंडर फैशन शो होगा, जिसमें ट्रांसजेंडर रैंप वॉक पर चलेंगे। बुजुर्ग, दिव्यांग, फर्स्ट वोटर मंच और स्विप आइकॉन भी फैशन शो में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार चुनाव में सभी की भागीदारी के लिए यह फैशन शो किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर पहली बार रैंप वॉक पर चलेंगे, वहीं काल बेलिया नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ टर्फ लाइन की वजह से मौसम बदल गया है। शनिवार सुबह छिंदवाड़ा में आधा घंटा पानी गिरा है। पिछले 7 दिन से किसी न किसी इलाके में बारिश हो रही है। आज 8वें दिन इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। रविवार को भी बूंदाबांदी हो सकती है। शुक्रवार को भी कई जिलों में तेज आंधी और बारिश हुई। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों में 12 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन दोनों चरणों में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के सिर्फ 2 ही दौरे हुए हैं। अब तीसरे चरण में कांग्रेस का फोकस ग्वालियर चंबल अंचल पर है। तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई को है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रचार करने चंबल आएंगे। गुजरात की एटीएस पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को 25 पिस्तौल और 90 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। ये आरोपी मध्य प्रदेश से हथियार ले जाकर अहमदाबाद, राजकोट के आसपास के इलाके में बेचते थे। ये पिस्तौली एजेंटों को 35,000 से 50,000 रुपए में दी जाती थी। पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसमें और भी हथियार मिलने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे हाल ही में घोषित हुए। इस दौरान सभी की नजरें सीएम राइस स्कूलों के प्रदर्शन भी रही है, लेकिन इनका भी परिणाम कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रहा। भोपाल जिले में 8 सीएम राइस स्कूल है। 3 साल के आंकड़ों पर नजर डाले तो 8 में से 2 स्कूलों के परिणाम में गिरावट आई है। वहीं 6 स्कूलों के परिणाम में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों के परिणाम से कम है। मणिपुर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक 6 घंटे बाद शुक्रवार रविवार रात विष्णुपुर जिले में कुकी उग्रवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं। घटना में 2 जवान घायल भी हुए। इनका इलाज इंफाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में चल रहा है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह भी इस बार लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक अमृतपाल सिंह की मां ने पुष्टि की है कि अमृतपाल पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अमृतपाल यह चुनाव किसी भी पार्टी के मंच पर नहीं लड़ेगा। आपको बता दें कि अमृतपाल फिलहाल असम की दिब्रुगढ़ में जेल में बंद है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग शुक्रवार को आके लपटे नैनीताल की हाईकोर्ट कॉलोनी तक पहुंच गई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में भी शुक्रवार को जंगलों में आग लगने की कोशिश करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बीते 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों से जंगल में आग लगने की 31 नई घटनाएं सामने आई है। अमेरिका के ओहियो राज्य में एक अश्वेत शख्स की मौत के बाद वहां के पुलिस की बड़ी आलोचना की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओहियो के कैंटन पुलिस डिपार्टमेंट ने फिर कार्रवाई की है। इस दौरान एक शख्स की गर्दन को पैरों से जकड़ा और उससे हथकड़ियां लगाई है। कुछ देर में उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान 53 साल के फ्रेफ टायसन के तौर पर हुई है। गिरफ्तारी के दौरान वह बार बार कहता रहा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। हालांकि पुलिस ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। ये सारी घटना पुलिस वालों की बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसे कैंटन पुलिस ने रिलीज किया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर 68.49% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा करीब 79.66% वोटिंग हुई, तो वही उत्तर प्रदेश में सबसे कम 54.85% के आसपास मतदान हुआ। 2019 के आम चुनावों में इन सीटों पर 70.5% मतदान हुआ था। दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग हो गई है।